गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इट इज़ द नेक्स्ट पेज, सो लेट्स बिगिन नेगेटिव क्वेश्चंस। ए नेगेटिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स द आंसर यस, यानी कोई भी जब हम नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका आंसर यस है। व्हेन आई से इज इट नॉट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंड नहीं है। आई मीन आई थिंक इट इज़ कोल्ड एंड एक्सपेक्ट यू टू थिंक सो टू, यानी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आज ठंड नहीं है, इट मीन्स कि आज बहुत ठंड है। बट इन आंसरिंग सच अ क्वेश्चन यू मस्ट से वॉट यू थिंक सो योर आंसर मे बी यस और नो, यानी आपका आंसर यस नो दोनों में हो सकता है। अगर हम किसी को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कोल्ड है या नहीं है तो यस और नो दोनों में रिप्लाई कर सकता है। यस इट इज़ कोल्ड टुडे, हाँ आज ठंड है, या फिर हम नहीं भी बोल सकते हैं, और अथवा नो आई डोंट थिंक इट इज़ कोल्ड टुडे, यानी मैं नहीं सोचती कि आज ठंड है। हम बोल नेगेटिव में भी रिप्लाई दे सकते हैं और पॉजिटिव में भी। स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग नेगेटिव क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, यानी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें रिप्लाई करना है। हमारी चॉइस है, हम क्वेश्चन का नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में ही रिप्लाई कर सकते हैं। इज ही नॉट कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है। यस ही इज़ कमिंग, हाँ वो आ रहा है, या फिर हम नहीं भी में भी दे सकते हैं, नो ही इज़ नॉट कमिंग, ये हमारी चॉइस है, हम दोनों में रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, इज़न्ट ही कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है, यानी इज नॉट को हम इज़न्ट भी लिख सकते हैं, इज़न्ट के बाद ही लगाया है यहाँ। और इज़ ही नॉट कमिंग इस तरह से होगा, अगर इज़न्ट दे रहे हैं तो ही बाद में आएगा, इसमें इज़न्ट ही कमिंग आया, नो ही इज़ नॉट कमिंग। डिड यू नॉट हीयर द न्यूज़, यस आई हर्ड द न्यूज़, हाँ मैंने सुनी है न्यूज़। आप इसका डिडन्ट यू हीयर द न्यूज़, नो आई डिड नॉट हीयर द न्यूज़। इसमें ऐसे यानी सब्जेक्ट बाद में लगता है, इसमें पहले लग जाता है, इसमें डिड के बाद है सब्जेक्ट, यहाँ डिडन्ट दोनों नॉट भी आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, नो आई डिड नॉट हीयर द न्यूज़ नेगेटिव में, ठीक है। इज इट नॉट हॉट टुडे, यस इट इज़ हॉट टुडे, क्या आज गर्मी नहीं है, हाँ आज गर्मी है। इट इज़ इज़न्ट इट हॉट टुडे, नो इट इज़ नॉट हॉट टुडे, यानी ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरह से रिप्लाई करते हैं। तो यानी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, किस तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे ये दे रखे हैं, रिप्लाई आपको इस तरह से करना, ठीक है। ये है यानी क्वेश्चंस कैसे करते हैं नेगेटिव फॉर्म में और आंसर उनका किस तरह से देना है। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस चैप्टर थ्रू PDF।